हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू वेस्ट नॉस ट्यूटोरियल। आज हम बात करेंगे कि जो आरओ एआरओ की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, और काफ़ी बार आप लोगों ने पूछा है कि तैयारी हम कौन सी बुक से करें और कौन सी बुक्स अच्छी होंगी, या हमने जो आरओ एआरओ की तैयारी की थी उन बुक वो किस तरह से की थी, या कौन सी बुक्स हम लोगों ने यूज की थी। ऑलरेडी मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर फोकस करके आप लोगों को उस चीज की ओर ले जाना चाहूंगा, ठीक है? और अगर आप लोग इस चीज को बहुत ध्यान से समझेंगे तो डेफिनेटली आपको 100% इसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट कि जो एग्जाम है उसे कैसे निकालना। और सिर्फ आरओ एआरओ नहीं, आप इस लेवल की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हो, ये बात मुझे लगभग 7 साल की तैयारी के बाद समझ में आई। और वैसे उससे पहले सिलेक्शन हो गया था, लेकिन फिर भी पढ़ाते पढ़ाते कुछ चीजें समझ में आई हैं। इतने सारे एग्जाम्स बच्चों के भी निकले हैं, खुद के भी निकले हैं, तो एक बात समझ में आई है। वो बात क्या है कि किसी एक सोर्स पे अगर आप डिपेंड रहोगे, कोई एक सिंगल सोर्स अगर आप सोच रहे हैं, एक सोर्स से आप पढ़ के, जैसे कि मैंने कहा घटना चक्र, ठीक है? मैं घटना चक्र सभी को सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि घटना चक्र काफी अच्छी सीरीज है, और उसमें आपको हर सब्जेक्ट वाइज अगर आप नोट्स पढ़ लेते हैं। पहले देखिए, इसमें घटना चक्र में क्या होता है कि पहले आपका चैप्टर जो सब्जेक्ट वाइज है, ठीक है, इसमें आपको एक तो आता है आपका सब्जेक्ट वाइज, इसमें बुक्स आती हैं, और साथ ही साथ इसमें एक वन लाइनर आती है, ठीक है, वन लाइनर। अब यही आपकी परीक्षा वाणी में भी आती है, सेम घटना चक्र की तरह ही एक आती है आपकी परीक्षा वाणी की। परीक्षा वाणी की ज्यादा मुझे नहीं पता कि जो सब्जेक्ट वाइज है कौन कौन से में आती है, लेकिन इसमें मैंने परीक्षा वाणी की जो भूगोल है वो मुझे बहुत पसंद आई, और वो बुक बहुत ही बेहतरीन बुक है, ठीक है। परीक्षा वाणी की जो भारत का भूगोल मैंने खरीदी थी, बहुत अच्छी थी। परीक्षा वाणी की जो वन लाइनर है वो भी बहुत अच्छी है, और इवन मैं कहूंगा कि वो घटना चक्र से ज्यादा बेहतर बुक मुझे लगी, उसमें ज्यादा कंटेंट है, लेकिन सब्जेक्ट वाइज पढ़ना जरूरी है। अब मैं आप लोगों को एक बात कहूंगा कि अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, जैसे किसी भी तैयारी को कर रहे हैं, तो वहां पर आप एटलीस्ट 2 से 3 पब्लिकेशन से आप चीजों को पढ़िए। ऊपर से एक चीज और है कि आप ऑनलाइन भी अपनी तैयारी करते रहें, मींस ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं जो आप लोगों को अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो आप एक सोर्स ऑनलाइन भी जरूर अपने पास रखिए, ठीक है? कहने का मतलब यह है कि अगर आप सपोज कीजिए कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, इतिहास आप लोग पढ़ रहे हैं, और इतिहास को आपको पढ़ना है, तो अगर आपने इतिहास आप लोगों ने घटना चक्र से पढ़ लिया और परीक्षा वाणी से पढ़ लिया, और साथ में किसी एक ऑनलाइन सोर्स से, वही में एक एक टॉपिक की बात कर रहा हूँ, अगर आपको जैसे एंशियंट इंडिया वाला टॉपिक आपने घटना चक्र से कंप्लीट कर लिया, परीक्षा वाणी से कर लिया, ऑनलाइन से कर लिया। अब कई लोग कहेंगे कि सर इसमें टाइम लगेगा, ये होगा होगा। भैया मैं पहले ही कहता हूँ आप लोगों को कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, आपको टाइम देना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं मैं कुछ टाइम में तैयारी करके ही एग्जाम निकाल लूंगा, तो वो बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है, या आप कहें कि मुश्किल काम है। आप अगर कुछ टाइम में, 6 महीने में अपना एग्जाम निकालने की कोशिश कर रहे, तो ठीक है, आपका प्रीवियस नॉलेज उसमें काम आता है। अब हमने ही खुद एक वीडियो बनाया था कि 50 डेज में कैसे तैयारी करें, ठीक है? तो 50 डेज, अगर आपको 50 डेज में तैयारी करनी है, तो भैया आपको 15 से 16 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे नहीं, 50 डेज में आप 4 घंटे पढ़ेंगे और 50 डेज काउंट करेंगे, तो 4 में आप समझ सकते हैं क्या ये 50 डेज नहीं है? फिर तो आपके ये कम से कम 250 डेज आप मान के चलिए कि इतने दिनों की तैयारी आप लोगों को करनी पड़ेगी, अगर 4 दिन के 4 घंटे पर डे आप कर रहे हैं, 15 से 16 घंटे आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी, और अगर आपको कम टाइम में निकालना है तो। ऊपर से अगर हम टेक्निक की बात करें, ठीक है, पहला जो पॉइंट था मेरा वो यही था कि आप एटलीस्ट 2 से 3 पब्लिकेशन का ग्रुप बनाइए। घटना चक्र हो गया, परीक्षा वाणी हो गया, हमने जो कोर्स बनाया था, सीधी सी बात है कि जो कोर्स बनाया था उसमें हमने 4 सोर्स उसमें यूज किए हैं। घटना चक्र यूज किया है, परीक्षा वाणी आप लोगों की यूज की है,
साथ ही साथ जो महेश बर्णवाल जी हैं उनकी जो सीरीज है वो बहुत अच्छी लगती है मुझे भी पर्सनली। उसे हमने यूज किया है और लूसेंट को हमने यूज किया है अपना जो हमने कोर्स बनाया है, और साथ ही साथ ऑनलाइन जितने सोर्सेस हो सकते थे उनको हमने यूज किया कोर्स बनाने में। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है वो कहीं ना कहीं टिकेगा। और एक क्योंकि हम ये बात करेंगे घटना चक्र, अगर हम पूरी सीरीज लेते हैं परीक्षा वाणी की, चार तीन चार सोर्स के पब्लिकेशन से हम किताबें खरीदते हैं और सारी चीजें लेते हैं तो 4 से 5 हजार रुपए आप लोगों के खर्च होंगे ही होंगे। तो 4 से 5 हजार रुपए अगर आप बुक खरीदते हैं, फिर उन सभी को स्टडी करते हैं, गो थ्रू होते हैं, और फिर उसके बाद आप लोग एग्जाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे। आप एक पब्लिकेशन को लेकर अगर सोचते हैं कि मेरा एग्जाम निकल जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, क्योंकि एक पब्लिकेशन इतनी चीजें नहीं दे पाता है। कोई एक पब्लिकेशन एक चीज को छोड़ देता है, कोई दूसरा पब्लिकेशन किसी दूसरी चीज को उठा लेता है, एक ही सब्जेक्ट मैटर में अलग अलग चीजें आप लोगों को दोनों जगह देखने को मिल सकती है। अब जब आप दोनों दोनों या तीनों जगह से पढ़ लेते हैं तो जो फिल इन द ब्लैंक्स आप मान के चल सकते हो, जो ब्लैंक छूट गए हैं चीजें, वो आप लोग क्या होगा, एक सोर्स से पढ़ेंगे दूसरे सोर्स से पढ़ेंगे तो जो चीजें छूट रही होती हैं वो चीजें आप लोगों को पता चल जाती है। फिर जैसे ऑनलाइन है कि मैंने कोर्स में भी आप लोगों को वेबसाइट्स की लिस्ट दी थी ग्रुप में, ठीक है, तो आप उन वेबसाइट्स को, ठीक है, एक वीडियो में आप लोगों को उन वेबसाइट्स पे भी बनाने की कोशिश करूंगा जहां से कि हम स्टडी करते हैं या मैं खुद स्टडी करता हूँ, उन चीजों को भी, उनकी लिस्ट भी मैं आप लोगों को अगले वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तो पहली चीज हम लोगों ने बात की कि थोड़ा सा आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना है अगर कम टाइम में तैयारी करनी है। दूसरा ये है कि हमें दो या तीन सोर्सेज से कम दो तीन पब्लिकेशन से पढ़ने की आदत बनानी है। अब बात आती है इसके बाद कि हम तैयारी जो कर रहे हैं उसको किस तरह से करें। वहां पे भी मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था कि तैयारी कैसे करें वाली वीडियो जो मैंने बताई थी, उसमें हमने जो यूज किए हैं उन टेक्निक्स को आप लोग यूज कीजिए। आप कोर्स ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, लेकिन इतनी बार बता चुका हूं कि आपको पहली टेक्निक, ठीक है, पहली टेक्निक क्या है, स्पीड रीडिंग। पहली है आपकी स्पीड रीडिंग, आपको 1 घंटे में जो आप पढ़ते हैं उसे रिपीटिशन में आप 1 घंटे में आप लोगों को पूरा एक टॉपिक नहीं पढ़ना है, 1 घंटे में आपको एक ही टॉपिक को 2 से 3 बार पढ़ लेना है। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्ड्स टेक्निक, आप फ्लैश कार्ड्स बनाइए, अब ये बनाने ही हैं आपको। फ्लैश कार्ड वाले को थोड़ा सा मैंने पिछले वाली वीडियो में पूरी तरह से आप लोगों को नहीं बता पाया था, इसमें मैं बता देता हूँ। देखिए आप ध्यान से सुनिए इस बात को, आप लोगों को समझ आ जाएगी और अगर आप इसे यूज करेंगे तो आप लोगों को टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले जब आप कार्ड बनाएंगे तो आप उत्तराखंड पढ़ रहे हैं, 20 चैप्टर पढ़ रहे हैं, 20 20 कार्ड आपने पर चैप्टर बनाए हैं जो कि टफ क्वेश्चन आपने बनाए हैं, जो आपको आते हैं उनके कार्ड्स आप लोगों को नहीं बनाने हैं। फ्रेश कार्ड आपके 20 हो गए, अगर 10 चैप्टर पढ़े आपने 200 कार्ड हो गए, 200 कार्ड आप लोगों के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पहले नहीं आते थे, अब आपको वो याद हो जाएंगे क्योंकि आपने उन्हें कार्ड्स किए हुए हैं। 10 चैप्टर्स को पहले सेपरेटली आप लोगों को याद करने की कोशिश करना है, प्रैक्टिस करनी है। मीन्स 20 कार्ड्स 1 चैप्टर के बाद आप लोगों ने बना लिए एक पूरे चैप्टर के, फिर आप क्या करेंगे कि उसको याद करके साइड में रख देंगे। ऐसे 10 चैप्टर्स के कार्ड जब आपके पास होंगे, 200 कार्ड्स, अब उन सभी कार्ड्स को आप लोगों को क्या करना है, मिक्स कर देना है। जब वो मिक्स हो जाएंगे तो अब आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज बड़ा हो जाएगा। अब अगर आपको लगता है कि 200 कार्ड्स को मिक्स करके थोड़ा सा और टफ हो जा रहा है, तो आप 4 चैप्टर के कार्ड को मिक्स करके फिर पढ़िए, उसमें आप लोगों के लिए चैलेंज बढ़ जाएगा, आप लोगों को कुछ चीजें भूलना शुरू हो जाएंगे। अब जो चीजें आप भूलेंगे, कार्ड जो याद होते हैं उनको एक तरफ रख लीजिए, जो चीजें आप भूल जाते हैं उनको एक तरफ रख लीजिए। अब जिनको आप कार्ड्स को भूल गए हैं या भूल रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं भूल रहा हूँ उन चीजों को, उन कार्ड्स को आपको फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, फिर से मिक्स कर दीजिए। ये जो जो टेक्निक है ना, ये आपको किताब से थोड़ा सा अलग करके, आपका जैसे होता है ना एक मोनोटोनस स्टडी हो जाती है, मतलब आप किताब से पढ़ रहे हैं कितने घंटे, क्या 10 घंटे हम किताब से पढ़ लेंगे, बहुत बोरिंग काम होता है, नहीं पढ़ पाता, हमारा मन ऊब जाता है उस चीज से। हमें अपनी टेक्निक्स जब हम चेंज करते हैं, कोई हमें कहता है कि 15 16 घंटे कैसे स्टडी हो सकती है, लेकिन होती है। वो लोग जो लोग करते हैं, मैंने खुद की है या मैडम को भी तैयारी के टाइम पे करवाई थी,
हम 15 से 16 घंटे इसलिए पढ़ पाते थे कि पहले हम स्पीड रीडिंग में टाइम बिताते थे 1-1.5 घंटा 2 घंटा, फिर हम कार्ड्स के साथ में 1-1.5-2 घंटा बिताते थे। उसमें से 1 घंटा अगर हम कार्ड्स बना रहे हैं या 20 मिनट बना रहे हैं, उसके बाद उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं 2 घंटे उसका कार्ड्स बना रहे हैं, स्पीड रीडिंग कर रहे हैं, फिर उसका ऑडियो सुन रहे हैं, ठीक है, अपनी वॉइस में ऑडियो को। तीसरी टेक्निक क्या है आप लोगों की, कि आपको अपनी वॉइस में चैप्टर्स को क्या करना है। अब ये हर चैप्टर को आपको ऑडियो नहीं बनानी है, आपको उन चैप्टर्स के ऑडियो, कुछ चैप्टर्स में आप अपनी अपनी वॉइस में ऑडियो बना सकते हैं, जहां पे कि स्टोरी टाइप चल रहा हो, ठीक है, वहां पे आप लोगों ऑडियो अपने वॉइस में उसे आप सुन सकते हैं, जैसे खाना खाते हुए सुन सकते हैं, नहाते हुए इवन सुन सकते हैं। मेरे पास ब्लूटूथ था, उसे हम मैं रख लेता था अपने बाथरूम के बाहर, टांग दिया, वॉइस लाउड करके चला दिया, सुनते रहो अपने वॉइस में। तो कार्ड्स के बारे में मैं बात कर रहा था, ये बीच में छूट गया था मेरा, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि आपने 4 चैप्टर के कार्ड्स मिक्स कर दिए, इसी तरह से आप 10 चैप्टर्स के आप कार्ड्स मिक्स कर दिया आपने। अब आपके पास में क्या है, 5 सब्जेक्ट के 200-200 कार्ड हैं, अब कितने हो गए आपके पास, 1000 कार्ड हो गए। आप 1000 कार्ड्स को मिक्स कर दीजिए, अब आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। अब 1000 कार्ड्स जो मिक्स किए ना आपने, उन्हें आप 5 में फिर से डिवाइड कर दीजिए मिक्स करने के बाद, तो आप लोगों के पास 5 ऐसी टेस्ट सीरीज हो गई है जिन्हें आप खेल खेल में पढ़ सकते हैं, और 1000 ऐसे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे जो कि आपने आज से पहले कभी याद नहीं किए थे। तो ये कार्ड्स टेक्निक आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है, ऑडियो हो गया आप लोगों के लिए। अब आता है आप लोगों का चौथा, मैपिंग, मैप्स, ठीक है, मैप्स में बहुत काम कीजिए, चाहे हिस्ट्री हो, हिस्ट्री को भी आप लोग क्या कर सकते हैं, मैप में बना सकते हैं। आप जैसे हम बोल दें कि कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे, ठीक है, तो आपने इंडिया का मैप ले लिया, अब उसमें जगह जगह आप लोगों को क्या करना है, जहां जहां उनके अधिवेशन हुए थे उन्हें ईयर के साथ में लिखते चलना है। तो मैपिंग आप लोग कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह से आप एक टॉपिक को लीजिए, मैपिंग कीजिए, अब उसे आप उत्तराखंड में कर सकते हैं, भूगोल में कर ही सकते हैं, हिस्ट्री में, इवन हिस्ट्री में आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को पढ़ना है मोहन जोदड़ो, ठीक है, तो मोहन जोदड़ो के लिए आप बना सकते हैं, उसमें मैंने आप लोगों के एक शॉर्टकट भी बनाया था, डैम्स, ठीक है, इन चीजों के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक आप लोग यूज कर सकते हैं। पांचवा आप लोगों का क्या है, शॉर्ट ट्रिक, कुछ चीजें आप शॉर्ट ट्रिक से कर लीजिए। अब सारी चीजें शॉर्ट ट्रिक से नहीं हो सकती, सारी चीजें मैप से नहीं हो सकती, सारी चीजें ऑडियो से नहीं हो सकती, सारी चीजें कार्ड से नहीं हो सकती, और सारी चीजें वैसे स्पीड रीडिंग से सारी चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप लोग बाकी चीजों को जहां आपको फिट लगता है उस चीज में फिट कीजिए, और अपनी स्टडी टाइम को थोड़ा सा वेरिएशन दे के पढ़ाई कीजिए, इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, चीजें याद भी होने लगेंगी, और आपका जो पढ़ाई का तरीका होगा वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और बहुत लंबी तैयारी आप लोग कर पाएंगे। तो होपफुली कि इसने आपके डाउट क्लियर कर लिए होंगे। कुछ चीजें मैं आप लोगों को काफी सारी वीडियोज में ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी कि जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था, और कुछ लोगों को कुछ चीजें समझ में नहीं आई थी, और एक इंटरेस्टिंग कमेंट यह आया था कि आपका जो मेथड है पढ़ाई करने का, ये तो सीधा सीधा पढ़ाई करने से ज्यादा कहते हैं कि उससे ज्यादा टफ है। मैं आपको कह रहा हूँ कि एक शिवखेड़ा जी की एक बुक है, जीत आपकी, उसकी बहुत फेमस कोटेशन है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं, ठीक है। अब सारे लोगों को पता ही है, किताब उठानी है, पढ़ना है, बस पढ़ते जाना है, लेकिन उसमें क्या होता है, हमारा जो रिटेंशन होता है ना वो बहुत कम हो जाता है। आप 10 घंटे किताब को पढ़ते रहिए, एक ही किताब को, उसके बाद अपना रिटेंशन देखना, और जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई, आप स्पीड रीडिंग कीजिए, कार्ड्स बनाइए, ऑडियोज बनाइए, मैप्स बनाइए, शॉर्ट ट्रिक्स बनाइए, और फिर आप पढ़ाई करके देखिए 10 घंटे, तब देखना आपका जो रिटेंशन होगा ना वापस चीजों को याद करने का, वो बहुत भयंकर तरीके से चेंज हो जाएगा। तो होपफुली कि ये चीजें आप लोगों की हेल्प करेंगे आपके आने वाले एग्जाम में, और RO ARO नहीं, किसी भी एग्जाम में आप लोग इसे यूज कर सकते हैं, और आपका जो भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।